अच्छा आजकल बड़ा एक सवाल आ रहा है कि जी शादी के लिए बंदे में या बंदी में क्या देखना चाहिए सो uh, so, तस्वीर क्या देखना चाहिए वैसे बंदे को बंदी देखनी चाहिए बंदी को बंदा देखना चाहिए एटलीस्ट वेन वी टॉक अबाउट आर कल्चर मेरा ये ख्याल है कि अपने आप को देखना चाहिए क्योंकि आपको अपना पता होगा तो आपको ये पता होगा कि आपने साथी में क्या चाह रहे हैं आपको अपनी कैपेसिटी पता होगी तो आपको पता होगा क्या आपके लिए ठीक है क्या आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए परफेक्ट हो सकता है और वही इंसान किसी तीसरे इंसान के लिए इंतहाई इम्परफेक्ट हो सकता है तो ये जानने के लिए कि ये कंपेनियनशिप कैसे बिल्ट होगी अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को सिर्फ अपने लिए नहीं जानना अपनी कैपेसिटीज़ को जानना है कि आपकी इंड्योरेंस क्या है आपकी एक्सेप्टेंस क्या है आप बहुत तहमल मिजाज इंसान हैं लेकिन है। क्या आ, आप किसी दूसरे के ग़ुस्से को किसी दूसरे की इमोशनल इंस्टेबिलिटी को किस लेवल तक इंड्योर कर सकते हैं आपका टिपिंग पॉइंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है अभी बात हो रही थी और ने एक पॉइंट किया था कि फीमेल्स ट्रांसिशन में हैं तो उनके लिए रोल्स हमारे कल्चर में बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है तो उन्हें पहले यह क्लैरिटी इंडिविजुअल लेवल पे लानी है कि उन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ से वर्क चाहिए या वर्क एंड फैमिली दोनों चाहिए उसकी बैलेंस या एनरिचमेंट के लिए क्या करना है और बहुत सी चीजें आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना एम्बिश है नहीं है इसमें क्लैरिटी लाए कर जी जी बिल्कुल तो आपको उससे निकलना होगा कि काम करना है शादी के बाद कर लेना पढ़ना है शादी के बाद कर लेना शादी को इक्वेशन से निकाल के अपने गोल्स के बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए फिर आपको पता होगा कि अगले बंदे में क्या चीज आपको चाहिए मैं मेल साइड की कंफ्यूजन भी लेके आ जाता हूँ हमारे यहाँ लड़कों में एक मसला पाया जाता है वैसे हम मजाक में कहते थे लड़की सोलह जमाते भी पड़ी हुई है और सोलह साल की भी हो जितनी ये इनकम्पेटिबल चीज है ना उतनी ही अपेरेंटली इनकम्पेटिबल चीज़ ये है कि अम्मी की तरह का बहुत अच्छा खाना भी बनाती हो hmm. लेकिन अंग्रेजी भी बड़ी एक्सेंचुएटेड हो और ट्रॉफी वाइफ भी, भी हो। शायद घर के किचन में अगर वो कहें खातून कि जी मैं सिर्फ बेकिंग करूंगी और कभी वंस इन वीक या वीक खाना बनाऊंगी तो आपने भी इस खाने के अलावा इस हकीकत को भी गल्प डाउन करना फिर एंड फॉर बॉयज़ Uh, के हक में मैं ये कह रही हूँ uh, एक बहुत ही अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन कि उसकी एज भी कम हो और गाड़ी भी एक लेवल की हो और घर भी एक लेवल का हो सॉरी दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल जैसे कि यासर ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 16 साल की भी हो और उसकी डिग्री भी उस लेवल की हो और रोटी भी गोल हो सो so, रियलिस्टिक रहना चाहिए आई थिंक आखिरी चीज़ मेरी तरफ से कि आपकी लाइफ में ना प्रायरिटीज़ और वैल्यूज़ प्रेफरेंसेस इन हम हमारी चॉइसेस इन्हीं चीज़ों के मतलब जो हैं वो हमारी ज़िंदगी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ढेर सारी नहीं तीन चार मोटी मोटी लाइफ की प्रायोरिटीज और वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें अपनी जी और फिर देखें कि इसके साथ कंपेटिबिलिटी किन वैल्यूज़ की है मिसाल के तौर पर आप बहुत मटीरियलिस्टिक हैं यू वॉन्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इस्पेक्टिव ऑफ़ यू नो द फैक्ट कि आप पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान से बाहर हैं रिश्तेदारों में या नहीं हैं तो आप जिस बंदे या बंदी से शादी कर रहे हैं आपने ये देखना है कि उसकी वैल्यूज टूवर्ड्स फैमिली लाइफ इमिजिएट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली वो क्या है uh, तो कुछ लोग रिलीजियसली एक ख़ास लेवल पे अपनी लाइफ को उस पर बेस करना चाहते हैं uh, कुछ एक्सट्रीम uh, पे करना चाहते हैं कुछ मॉडरेट लेवल पे करना चाहते हैं और ये छोटी छोटी बातें पहले हम मालूम कर सकते हैं और इनमें क्लैशेस बढ़ जाते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में हमें अक्सर नज़र आई है तो ये इसलिए मुझे भी बताया जा रहा है कि जल्दी से वीडियो ख़त्म करें क्योंकि जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो रहा है यस yes. मुझे दस दफ़ा बताया जा चुका है सो so, uh, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं